महिंद्रा के स्कॉर्पियो लॉन्च होना कंफर्म हो गया है। ये कम्प्लीटली न्यू जनरेशन मॉडल होगा, न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर गाड़ी बनाया जा रहा है, न्यू डिज़ाइन, न्यू इंटीरियर, न्यू एक्सटीरियर, नए फीचर्स, कम्प्लीटली सारे चीज़ें नए होने वाले हैं और प्राइस टैग भी नया यहाँ पे लगने वाला है। तो चलिए इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी लेते हैं क्योंकि नए स्कॉर्पियो कब तक लॉन्च हो सकता है, क्या कुछ चेंजेस रहेगा, पूरा डिटेल्स। ये नए जनरेशन स्कॉर्पियो है, ये गाड़ी कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। अभी जो स्कॉर्पियो मिल रहे हैं, हालांकि इसका क्रेज़ भी कुछ अलग लेवल का है, लेकिन ये जो स्कॉर्पियो लॉन्च हो रहा है ये फुल्ली प्रीमियम लेवल का स्कॉर्पियो होगा, स्पोर्टी भी होगा, प्रीमियम भी होगा, कंप्लीट एक एसयूवी भी ये गाड़ी रहेगा। हालांकि बात करें जाए महिंद्रा की सबसे बेहतरीन गाड़ी शायद ये हो सकता है। यहाँ पे आपको नए डिज़ाइन ग्रिल, नए डिज़ाइन आपको हेडलैम्प्स मिल सकता है। हालांकि कुछ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको बेस मॉडल पे अलग डिज़ाइन की ग्रिल और हेडलैम्प और टॉप एंड वेरिएंट में अलग डिज़ाइन की ग्रिल और हेडलैम्प आपको भी मिल सकता है। गाड़ी पहले से काफ़ी बड़ा लगने वाला है, बैक प्रोफाइल आपको भी काफ़ी बेहतरीन मिल जाएगा। गाड़ी में आपको 18 इंच का व्हील्स भी मिल सकता है। अगर बात करें इसके इंटीरियर की, अभी जो करंट स्कॉर्पियो है उससे कई ज़्यादा बेहतरीन स्पेस आपको नए स्कॉर्पियो पे मिल जाएगा। थर्ड रो पे अच्छा खासा आपको स्पेस मिल जाएगा एडल्ट्स के लिए, बेंच सीट का ऑप्शन रहेगा, कैप्टन सीट का भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा। गाड़ी में आपको नया डैशबोर्ड, नया टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम, गाड़ी में लेदर सीट्स का ऑप्शन। बात करी जाए फीचर्स की, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा पैनोरामिक सनरूफ मिलने वाला है, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिल जाएगा जिसमें आपको टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन, कीलेस एंट्री, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ऑटोमेटिक डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ड्राइवर सीट एंड को पैसेंजर सीट भी आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट पे मिल जाएगा और कई सारे फीचर्स आपको मिल सकता है। गाड़ी में आपको 7 एयरबैग तक का ऑप्शन मिल सकता है सेफ्टी में, एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, लेन डिपार्चर वार्निंग, फॉरवर्ड कॉलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन, एक्सयूवी 700 जैसे आपको यहाँ पे कई सारे फीचर्स मिलने वाले हैं और टॉप एंड वेरिएंट में आपको 4x4 यानी कि फोर व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिल जाएगा। ये था कई सारे फीचर्स के बारे में। इंजन की बात करी जाए, यहाँ पे 2 लीटर का आपको टर्बो पेट्रोल इंजन मिल जाएगा जिसमें आपको 150 से लेकर 170 bhp का पावर आपको मिल जाएगा। 2.2 लीटर डीजल इंजन भी मिल जाएगा 170 bhp का पावर के साथ, 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक में दोनों पे अवेलेबल रहेगा, पेट्रोल और डीजल में भी। गाड़ी काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। अगर बात करें इसकी प्राइस रेंज की, 13 से लेकर 24 लाख तक इसकी प्राइस रेंज जा सकता है। ये गाड़ी प्रीमियम और पावरफुल दोनों पे ही रहेगा, गाड़ी काफ़ी स्पोर्टी भी रहेगा। बात करी जाए इसके लॉन्चिंग की, एक्सपेक्टेड है अप्रैल तक ये गाड़ी को रिवील कर दिया जाएगा। फेस्टिव सीजन तक ये गाड़ी इंडिया के मार्केट में लॉन्च हो सकता है, लेकिन जो ग्लोबल चिप क्राइसिस चल रहा है उसके तहत देखा जाए तो ये गाड़ी की डिले भी हो सकता है लॉन्चिंग। हालांकि मुझे नहीं लग रहा है और इसको ज़्यादा डिले किया जाएगा, डिले हो तो भी इसी साल के अंत तक ये गाड़ी को लॉन्च कर दिया जा सकता है। लेकिन तब तक करंट जो स्कॉर्पियो है उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, थोड़ा सा फेसलिफ्ट करके, थोड़ा सा नए डिज़ाइन में थोड़ा चेंजेस करके उसको सेल किया जा रहा है। हालांकि उसका भी क्रेज काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लग रहा है ये जो पुराना मॉडल वो भी रहेगा, नया मॉडल वो भी रहेगा, थोड़ा सा नाम पे डिफरेंट थोड़ा सा रहेगा, लेकिन ये दोनों ही गाड़ी सेल होगा। जो भी पुराना स्कॉर्पियो है जो अभी चल रहा है वो गाड़ी भी चलेगा और जो नए स्कॉर्पियो जो ये न्यू जनरेशन मॉडल आने वाला है वो भी चलेगा। तो ये था पूरा डिटेल्स न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो के बारे में जो कि हाल ही में कुछ ही दिनों के अंदर यानी कि इसी साल ही लॉन्च होने वाला है। आपको क्या लग रहा है ये गाड़ी के बारे में, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ऐसे नए वीडियो देखना चाहते हैं ऑटोमोबाइल्स के ऊपर, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।